क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज सानू मिश्रा, आई स्टडी इन क्लास 4। आज आप लोगों को यहाँ डिजिटल टीवी मिल गया है क्लास में। इससे पहले कैसे पढ़ाई करते थे, अब कितनी मदद मिलेगी तुमको? अब हमने टीवी से बहुत मदद मिलती है, पहले तो बहुत मदद करनी पड़ती थी, पर हमारे सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे तब भी। टीवी जो मिला है, स्मार्ट टीवी मिला है, इससे कितनी मदद मिलेगी? इससे हमें बहुत मदद मिलती है, हमें जो नहीं आता है वो हम देख के पढ़ लेते हैं और सर भी बताते हैं। आज आप लोगों के यहाँ स्कूल में डिजिटल टीवी लगाई गई है, इससे कितनी मदद मिलेगी आप लोगों को पढ़ाई में? इससे हमको बहुत मदद मिलेगी। पहले उसी क्लास में सिर्फ प्रोजेक्टर था, अब इस क्लास में स्मार्ट टीवी भी आ गई है, हमको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में फायदा मिलेगा। जो हमको नहीं आता है वो हम टीवी पर भी देख सकते हैं, हम शहर के बच्चों से टक्कर लेंगे। अच्छा बेटा, आज आपके क्लास में जो स्मार्ट टीवी लगाई गई है, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को? इससे बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, इससे पहले कैसे पढ़ाई करती थी, अब टीवी लगने से क्या फ़ायदे होंगे? सर, हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, पहले तो उसी क्लास में टीवी लगी थी, अब इस क्लास में भी टीवी लग गई है, इसलिए हम लोगों को अब पढ़ने में दिक्कत कोई नहीं होगी। देखिए, ऐसा है, इस गांव से या स्कूल से हम लोग का आज का नाता नहीं, मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं, और जब ये इच्छा हुई थी उस समय हालत बहुत ख़राब थी स्कूल, तो हम लोग भी रिटायर हुए, एक इच्छा मन में आई कि हम लोग कुछ करें स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए अपने, तो उसी के चलते हम लोगों ने शुरुआत करी थी और कोशिश कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, साल दर साल वही हम लोग करते हैं, विशेष ऐसी कोई बात नहीं है। डिजिटल जो समझ में आता, आवश्यकता है, मास्टर लोगों से पूछते हैं भाई बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, जो सजेस्ट करते हैं उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। डिजिटल टीवी डोनेट की गई है जी, आपको क्या लगता है कितना मदद होगी बच्चों की पढ़ाई में? बिल्कुल मदद होगी साहब, क्योंकि आजकल देखिए डिजिटल का ही ज़माना है, ऑनलाइन क्लासेस आपने देखे होंगे आज कोरोना के चलते चले, और उसके चलते बहुत सारे क्या बोलेंगे, रील्स वगैरह बनती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और उससे बल्कि जल्दी सीखते हैं। जब आप किसी को कोई चीज़ सिखाएंगे इस तरह से खड़े होकर के बोलेंगे तो शायद उतनी बात दिमाग में नहीं घुसती, हाँ अगर वो देख रहे हैं कोई कहानी सुनाई जा रही है उसको बाकायदा उसके रूप में, जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो एकदम छप जाती है दिमाग में, उसी तरह से वो बच्चों के दिमाग में छप जाती है। अब बस ये है कि चयन उसका अच्छा होना चाहिए, क्या मैटर हम दे रहे हैं, क्या सब्जेक्ट बच्चों के सामने रख रहे हैं। स्वयं के बच्चे जो शहर, मेरा स्वयं का बच्चा जो एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो पा रहा है सुविधाएं, मेरी ये भरसक कोशिश रहती है वो सारी सुविधाएं हम अपने बच्चों को, यानी गांव में बच्चों को जहां हम नौकरी कर रहे हैं इन बच्चों को सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। जो इन लोगों के लिए तो एक ख्वाब है कि प्रोजेक्टर से पढ़ना, इनके लिए एक सपना था कि कभी सोचे नहीं होंगे कि एक हम प्रोजेक्टर से पढ़ाई भी कब होती है, तो ये एक इन लोगों के लिए सपना है और ये बहुत लाभदायक होगा हमारे और इनके दोनों के प्रयासों से जो है एक शिक्षा में जो है एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और इनके लिए एक समझ लीजिए एक गिफ्ट है जो इनकी पढ़ाई में आगे जाके मदद करेगा डिजिटल इंडिया है। जो हमारे क्या टीवी ने दिया, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस गाँव के लिए जो है इतना बच्चों के लिए सोचा, और डिजिटल इंडिया की तरफ जो कि हम लोग बढ़ ही रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है सपना भी है कि हम लोग डिजिटल अच्छे तरीके से पढ़ाई कराएं बच्चों को, और आजकल ई पाठशाला कोरोना पीरियड में ये डिजिटल की तरफ हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। ई पाठशाला कंटेंट जो आता था हम लोग बच्चों के व्हाट्सएप पर जो भेजते थे, तो अब कंटेंट्स जो हमारे पास आते हैं तो यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं, तो हम लोग उसके माध्यम से टीवी अगर हमारे पास प्रोजेक्टर हमारे पास था, एक क्लास स्मार्ट क्लास थी, तो आगे दूसरी क्लास स्मार्ट क्लास बन रही है, तो यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को जो है विज्ञान की एक अच्छी अच्छी चीज़ें जो है बच्चों को हम सिखा सकते हैं। ई पाठशाला कंटेंट जो सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसमें काफ़ी कुछ जो है वो डिजिटल माध्यम के लिए, उसके माध्यम से पढ़ाई के लिए वो ज़रूरी होता है, वो दिखाना ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। गाँव के स्तर पर ये एक समझ लीजिए मील का पत्थर साबित होगा इनकी पढ़ाई में, इनके आगे शैक्षिक उन्नयन में जो है बहुत ही एक तरीके से इनके लाभदायक होगा, तो
ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा प्रयास है, और हम ऐसे लोगों को जो है समाज सेवी लोगों से जो है ये आभार व्यक्त करते हैं उनका कि उन्होंने जो है इसको सोचा, साथ ही साथ बच्चों के लिए जो है गिलास और प्लेट भी बच्चों को दे रहे हैं ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे बच्चों के अंदर खाने में। ये सब चीज़ जो है ऐसे ऐसे लोगों की हमको बहुत आवश्यकता है कि जो है जो जुड़े, और सरकार की भी ये मंशा है कि समाज के संभ्रांत लोग विद्यालय से जुड़े, और प्राथमिक विद्यालयों की जो है उनकी सरकार की जो एक क्रांतिकारी योजना चल रही है कायाकल्प योजना के माध्यम से, सरकारों ने काफ़ी स्कूलों का कायाकल्प किया है, और उसमें सरकार की ये उम्मीद भी है कि जो है आपके जो है समाज के संभ्रांत लोग या NGOs जो है वो आएँ और स्कूलों में मदद करें। उसी की एक कड़ी में ये प्राथमिक विद्यालय अटवटमऊ जो है ये एक अप्रतिम उदाहरण है एक समाज के लोगों के लिए, ये उनके लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज सुदृढ़ दिख रहा है ये उन्हीं लोगों के कारण है, समाज के विभिन्न लोगों की तरफ से। हमारे विशाल अग्रवाल जी हैं, एक जो कमिश्नर हैं, वो बच्चों को कॉपियाँ देते हैं, निःशुल्क रूप से बच्चों को कॉपियाँ प्रोवाइड कराते हैं। पेट्रोल पंप वाले हैं, वो हमको जो है प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ अनुदान के रूप में जो है बच्चों को सामान देते रहते हैं। ये बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं।